नमस्कार, मैं हूं नैंसी सोनी। चलिए बढ़ते हैं बिहार के बड़ी खबरों की ओर। रेलवे ने यात्रियों के लिए 10 जोड़ी स्पेशल ट्रेन चलाने का किया ऐलान। पटना जंक्शन समेत पूरे मध्य रेल के अलग अलग स्टेशन से देश के अलग अलग शहरों के लिए रेलवे यात्रियों की सुविधा बढ़ाने की पहल तेज की है, जिसके तहत अलग अलग शहरों के लिए कुल 10 जोड़ी यानी 20 ट्रेन चलाने की योजना बनाई जा रही है, जिसके बाद आम लोगों की सुविधा के मद्देनजर रेल मंत्रालय द्वारा 12 सितंबर से 80 स्पेशल ट्रेन का परिचालन शुरू किया जा रहा है। शांत सिंह राजपूत के मामले में लिया अब राजनीतिक रूप। बॉलीवुड के अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के मुद्दे पर राजनीतिकरण शुरू हो गई है। इस मामले में हर दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं। वहीं सुशांत सिंह राजपूत को लेकर राजनीति भी देखने को मिल रही है। बिहार विधानसभा चुनाव में सुशांत सिंह की रहस्यमय तरीके से जान गंवाना एक मुद्दा बन गई है। बिहार भाजपा के कला एवं संस्कृति प्रकोष्ठ ने सोशल मीडिया पर एक स्टिकर जारी किया है, जिसमें सुशांत सिंह राजपूत की तस्वीरें और लिखा है कि हम ना भूलेंगे और ना भूलने देंगे। बिहार सरकार के फसल सहायता योजना किसानों को अब खूब पसंद आ रही है। बाढ़ में उत्तर बिहार की खेती को चौपट कर दिया है। दक्षिण बिहार के किसान भी अभी सूखे की आशंका से बहुत ज्यादा परेशान है। लिहाजा SR योजना के आवेदन करने वाले किसानों की संख्या में नया रिकॉर्ड बनाया है। सबसे खास बात यह है कि रैयत से ज्यादा गैर रैयत किसानों की रुचि योजना में देखने को मिल रही है। इस साल खरीफ के लिए 39,24,000 किसानों ने आवेदन किया है। सहकारिता विभाग ने इस योजना के लिए आवेदन की तारीख 3 बार बढ़ाई है। JEE एडवांस की परीक्षा केंद्र पर एडमिट कार्ड की जांच अब होगी बारकोड स्कैनर से। परीक्षा केंद्र पर एडमिट कार्ड की जांच अब बारकोड स्कैनर से करवाई जाएगी। इसके आयोजन को लेकर सभी 23 IIT से ने मिलकर कुछ दिन पहले ही बैठक की थी। परीक्षा के लिए विशेष SOP भी बना ली गई है और परीक्षा केंद्र पर एडमिट कार्ड की जांच बारकोड स्कैनर से होगी। स्क्रीन पर छात्र की सारी जानकारी जांच अधिकारी के सामने होगी। यदि कोई छात्र परीक्षा केंद्र से COVID-19 के नियमों का पालन नहीं करता है तो उसे परीक्षा से बाहर कर दिया जाएगा। PU की जमीन पर बनेगा डॉल्फिन रिसर्च सेंटर। गंगा किनारे पटना यूनिवर्सिटी की जमीन पर डॉल्फिन रिसर्च सेंटर बनाने की तैयारी हो रही है, जिसको लेकर अक्टूबर से डॉल्फिन रिसर्च सेंटर बनाने की पहल की जा रही है। इसका पूरा ब्यौरा तैयार कर स्वीकृति के लिए सरकार को भी भेजा गया है। इस महीने के अंत तक सरकार की मंजूरी मिल जाती है तो मंजूरी मिलने के बाद अगले महीने के अंत तक निर्माण भी शुरू हो जाएगा। उपेंद्र कुशवाहा ने हर सीट पर महागठबंधन की जीत का किया दावा। रालोसपा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी पूरी कर ली है। वहीं उन्होंने कहा है कि उनकी पार्टी के सभी साथी एकजुटता के साथ हर बूथ पर काम कर रहे हैं। चुनाव की तैयारी पूरी है। हमारा लक्ष्य NDA को सत्ता से बाहर करना है, लिहाजा हम सभी 243 सीटों पर मैदान में उतरने को तैयार हैं। आज बिहारी बर्थडे स्पेशल में हम बात करेंगे अमित दत्त की। अमित दत्त प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर हैं, एडवांस सेंटर फॉर ट्रीटमेंट रिसर्च एंड एजुकेशन एंड करियर ऑफ टाटा मेमोरियल में एक भारतीय साइंटिस्ट भी हैं, जो अपनी फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर चैप्टर के लिए बेहद ही मशहूर हैं। पूरी दुनिया में नाम कमाने वाले अमित का जन्म 6 सितंबर 1973 को बिहार के पटना में हुआ था। उन्होंने अपनी पढ़ाई दिल्ली यूनिवर्सिटी जामिया मिलिया इस्लामिया में पूरी की थी। वहीं उनकी पहचान फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर में किए गए शोध के लिए हुई थी। उन्हें साल 2017 में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार में सम्मानित भी किया जा चुका है। पटना के 23 फल सब्जी मंडियों में लगेगा कंपोस्ट प्लांट। राजधानी में फल सब्जी मंडियों की बेहतर सफाई के लिए नगर निगम ने अनोखी तरकीब निकाली है, जिसके तहत मंडियों में कंपोस्ट पीट के निर्माण की योजना तैयारी की गई है। पहले चरण में 23 मंडियों की सूची तैयार की गई है, जहां पर 100 से 2000 किलो तक की क्षमता वाले कंपोस्ट का निर्माण होगा।
केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कोविड-19 के माहौल में सोशल मीडिया की भूमिका को बताया अहम। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कोविड-19 के माहौल में आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के आयोजन को लेकर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है, जिसके तहत उन्होंने सोशल मीडिया की उपयोगिता को लेकर अहम बयान दिया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि 6,21,30,594 मोबाइल धारक वर्तमान समय में मौजूद हैं, जिनमें 4G कनेक्शन की संख्या 3,32,25,000 की है, फेसबुक प्रोफाइल की संख्या 1,65,00,000। कोविड-19 के माहौल में सोशल मीडिया के सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की भूमिका निर्णायक होने वाली है। पछुआ हवा के बहने के कारण बिहार में बादल नहीं बन रहा है, राज्यभर में मौसम शुष्क बना हुआ है, तापमान सामान्य से ऊपर लगातार बढ़ता जा रहा है। पटना, गया, भागलपुर और पूर्णिया में पिछले 1-1.5 हफ्ते से लगातार सामान्य से ऊपर पारा देखा जा रहा है। पिछले 3-4 महीने से बारिश का क्रम जारी रहने से पारा हालांकि नीचे देखा गया है, मगर मौसम बदलाव की वजह से लोग असहज महसूस करने लगे हैं। अगले 2-3 दिनों में मौसम के बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। बिहार में एक बार फिर से शुरू होगा पोस्टर का खेल। बिहार में विधानसभा चुनाव का आयोजन करवाया जाना है, वहीं सभी पार्टियां रणनीति बनाने में जुट गई हैं। वहीं दूसरी तरफ से बिहार में पोस्टर की राजनीति एक बार फिर से शुरू हो गई है। इसी क्रम में राजद ने नया पोस्टर जारी करते हुए कहा है, नई सोच नया बिहार युवक सरकार अब की बार। आपको बता दें, इससे पहले जो भी पोस्टर जारी किया था उस पोस्टर में जदयू की तरफ से लिखा गया था कि विकसित बिहार नीतीश कुमार, जिसके जवाब में तेजस्वी की सेना ने इस नए पोस्टर को चोरी करके बिहार में युवा सरकार बनाने का दावा किया है।